हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की गुरु नीति के अंदर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बाद में आज हम शुरू करने वाले हैं बायो मॉलिक्यूल के अंदर फर्स्ट सीरीज। तो सर शुरू करते हैं अपन। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग। तो चार ऑप्शन दिए आपको, जो इनकरेक्ट मैच उसको सेलेक्ट करना है। जैसा किसी ने बताया कि सुक्रोज, तो सुक्रोज के आगे मेंशन किया है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और सुक्रोज सर नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी होती है। बिल्कुल, और एनसीईआरटी लाइन बकायदा ही है। बिल्कुल, जो प्लांट फिजियो वाला चैप्टर उसमें लिखा हुआ है कि फूड का फॉर्मेशन ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, बट उसका ट्रांसफर जो है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, बिकॉज इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बिल्कुल अपन ये कह सकते हैं। अगर माल्टोज की बात करें तो माल्टोज जो है उसने बोला है C2C4 लिंकेज, ये गलत हो गया, क्योंकि माल्टोज जो है उसके अंदर दो ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है, और उनमें जो बॉन्ड टाइप है वो होता है आपका अल्फा। बिल्कुल, स्टार्च स्टोर फूड होता है प्लांट के अंदर, स्टोर फूड होता है। आंसर जो है बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एमाइलोज। देखो यहाँ पर एमाइलोज के बारे में आपको सोचना है, एक बार इनको सर बताई देते हैं। जो एमाइलोज है, अगर अपन बात करें स्टार्च की, स्टार्च के दो कंपोनेंट है। दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। पेक्टिन, इसके भी आगे सर क्वेश्चन मिल सकते हैं, थोड़ा बता देते हैं। एमाइलोज जो होता है वो सॉल्ट होता है, एमाइलोपेक्टिन जो है लार्ज है। तो जो मैक्सिमम अमाउंट होता है एमाइलोपेक्टिन का होती है लगभग 15-20% होता है, और 80% जो है एमाइलोपेक्टिन होता है। एमाइलोज जो है वो वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है वाटर में इनसोल्यूबल है। एमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड है, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है। बिल्कुल, करते हैं कुछ बात एमाइलोज के संदर्भ में, गलत कुछ नहीं। इट इज ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्च। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, इट इज वाटर इनसोल्यूबल, यही गड़बड़ हो गई। अपने बताया था अभी एमाइलोज है वाटर सोल्यूबल, ये इनकरेक्ट हो गया। आगे देखते हैं, इट इज अनब्रांच्ड पॉलीमर, ये अनब्रांच्ड होता है, बिल्कुल सही है। और ग्लूकोज का क्या है, पॉलीमर है। इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट एक लाख इकाई के रूप में पाई जाती है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन सारी दे दी अपने, एमाइलोज की सारी बातें बता दी। एक बात अपन सर यहाँ पे बता सकते हैं, अगर बच्चों कार्बोहाइड्रेट की बात करें, पॉलीसेकेराइड की बात करें, तो पॉलीसेकेराइड की जो अपने पास ग्लूकोज की एक ही चेन होती है, उसमें हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो बनता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, लेकिन जहां पे दो चेन अटैच होती है वहां पे 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल, जो ब्रांच पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये अपने पास में कंडीशन बार बार आती रहेगी। बिल्कुल, और ये ही आपने जो बताया एमाइलोपेक्टिन जो है उसमें शाखन होता है, और जैसा सर ने बताया मुख्य रूप से तो 1,4 होता है, लेकिन जहां पर शाखन बिंदु होता है वहां पर अल्फा 1,6 बॉन्ड पाया जाता है। चले सर आगे। बिल्कुल, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स ओनली। किसमें जो एमिनो एसिड है वो नॉन एसेंशियल है, तो थोड़ी सी बात अपन ये बता सकते हैं। बच्चों एमिनो एसिड जो है हमारी बॉडी में 20 टाइप्स के होते हैं, एक तो एसेंशियल होते हैं और एक होते हैं नॉन एसेंशियल। जो एमिनो एसिड अपनी बॉडी में बन जाते हैं, बिल्कुल, वो अब अपने लिए नॉन एसेंशियल हो गए, बाहर से लेने की इनको जरूरत नहीं है। और ऐसे एमिनो एसिड जो अपनी बॉडी में नहीं बनते, जो अपनी डाइट में होने जरूरी है, वो अपने लिए होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड में। तो बिल्कुल अपन इसको करते हैं, और उनमें भी 10 अपनी बॉडी में यूजुअली जो है एसेंशियल है, और 10 जो है नॉन एसेंशियल। तो जो अपनी बॉडी में नहीं बन पा रहे हैं जैसा सर ने बताया, वो अपने लिए क्या होंगे, एसेंशियल। और नॉन एसेंशियल की बात करें तो यहाँ पर नॉन एसेंशियल को सेलेक्ट करना बिल्कुल पड़ेगा। तो जो नॉन एसेंशियल उसकी बात करें, जैसे आपका ग्लाइसिन है, सेरीन है, प्रोलीन है, और ग्लूटामिक एसिड, तो ये जो है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ एक बार ऑब्वियसली से रटने का थोड़ा सा टेबल दे रखी है, वहां पर ही याद करना पड़ेगा आपको, ग्रुप वाइज याद कर लो कि एसेंशियल कौन से, एसेंशियल याद हो गए तो रिमेनिंग कौन होंगे नॉन एसेंशियल। जैसे यहाँ पर बात करें वेलिन, तो वेलिन जो है वो एसेंशियल में चला जाता है। बिल्कुल, ल्यूसिन भी जो है वो एसेंशियल में चला गया। यहाँ बात करें अपन, जैसे आपका हो गया मिथ्योनिन, मिथ्योनिन जो है वो एसेंशियल में चला गया। यहाँ बात करें ये जैसे आपका आइसोल्यूसिन है, ये किसमें चला जाएगा, एसेंशियल कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो ग्रुप है नॉन एसेंशियल का वो है सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप सेलेक्ट द वन व्हिच हैज ओनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिसमें सिर्फ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं,
बच्चों मेटाबोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी भी होते हैं सेकेंडरी भी होते हैं, जो यूजुअली हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं बनते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और जो किसी किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनते हैं वो अपने पास में होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बिल्कुल, तो बिल्कुल सेकेंडरी जो मेटाबोलाइट है वो आपको छाटने, जैसे सर ने आपको बताया जो यूज होते हैं जो रिएक्शन में बनते हैं और उनका बॉडी में यूज भी होता है वो प्राइमरी होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से सर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसने दिया आर्जिनिन और टायरोसिन, ये तो प्राइमरी हो गए, ये तो अमीनो एसिड है जो यूज में आते हैं। यहाँ बात करें ग्लाइसिन, तो इसको अपन सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ग्लाइसिन सीरीज जो है वो प्राइमरी में आ जाएगा। यहाँ पर कैरोटीनोइड है, फिनाइल एलानिन, फिर अमीनो एसिड आ गया, तो ये भी जो है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं हो सकता। यहाँ बात करें देखो कौन, कैलाविन ए, मोरफिन, कोडिन और विन ब्लास्टिन, ये सारे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल हैं। और सर ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, तो पूछ लेता है कि कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, कौन है, उनके आगे टेबल दे रखी है, टेबल में हर के आगे उनके कुछ फंक्शन वगैरह एग्जाम्पल अकॉर्डिंग बात की है। मेरे ख्याल से वो याद करना होता है कुछ, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में कुछ चीजें याद करने वाली है, रटने वाली भी होती है। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सुगर नॉट फाउंड इन प्लांट्स, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं। लैक्टोज जो है जिसको बोलते हैं मिल्क सुगर, ये एनिमल में पाई जाती है, प्लांट्स में होती है एब्सेंट, और लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज से प्लस लैक्टोज से, और ये बात हमने की थी अपनी पिछले वाली गुरुनीति के अंदर ड्यूरिंग लैक ओपेरोन। बिल्कुल, सारी बातें अपन ने जैसे सर आपने बताया मेंशन भी कर दिया, ये याद रखने आपको, जैसे सर ने बताया मिल्क शुगर है और ये किसका बना है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और बॉन्ड जो होता है बीटा वन फोर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी पूछा भी गया है। वन तो यहाँ पे गैलेक्टोज का है और फोर यहाँ पे ग्लूकोज का। बिल्कुल, इसका पहला, इसका फोर्थ, और दोनों बीटा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। और जैसे सर ने बताया सुक्रोज, तो प्लांट में बनता है सुक्रोज, फोटो जो है अपन बात करते हैं सिंथेटिक, जिसका ट्रांसपोर्ट भी होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज है उसमें कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज से फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे है, ग्लाइकोसिडिक लिंक इज ब्रोकन इन डाइजेशन ऑफ, तो ग्लाइकोसिडिक की जो लिंक है वो किस टाइम पे ब्रोक होती है, स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड या फिर ऑल ऑफ दिस, तो अपने को पता है कि जो स्टार्च है, स्टार्च के अंदर ही पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, उस टाइम में ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सर ने बता दिया आपको, पॉलीसेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, वो हमेशा किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टार्च। बाकी लिपिड जो है एस्टर बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। नेक्स्ट यहां पर है, इन गिवन स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ए, दी गई संरचना में ए को पहचानिए, तो अपने पास में ये बच्चों अपने पास में क्या हो गया, पेंटो शुगर हो गया, और सर पेंटो शुगर के साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन बेस भी है एंड फॉस्फेट ग्रुप भी है, तो कहने का मतलब यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड हो गया, और ये बॉन्ड पूछा है कि बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो बेस यहाँ पर, ये शुगर यहाँ पर, बॉन्ड यहाँ पे हो गया ग्लाइको सिटिक बॉन्ड। अगर मान लो ये पूछ ले बाई चांस ये कौन सा बॉन्ड, बिल्कुल, तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो जाएगा। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉलीसेकेराइड विच फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स इज, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, इनोलिन, तो अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास में स्टार्च है उस तरीके से हेलिकल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल, उसमें सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसी कारण वो आयोडीन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, होल्ड करता है, तो आयोडीन टेस्ट जो है देता है। बिल्कुल, और जब बात करें अपन सेलुलोज की, आयोडीन टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर ये हेलिकल स्ट्रक्चर जो है एब्सेंट होती है, काइटिन में नहीं होंगे। इसके साथ स्टार्च के साथ एक और असर ही बता देते हैं, एमआई जो आपका ग्लाइकोजन है। बिल्कुल, जो ग्लाइकोजन है वो भी आयोडीन टेस्ट देता है, ये देगा ब्लू कलर, एमआई जो ग्लाइकोजन होगा वो होगा रेड कलर देगा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन बोथ गिव राइज आयोडीन टेस्ट। और रीजन भी सर ने इसका बता दिया, दोनों के अंदर क्या होती है, सुपर सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। In a polysaccharide chain like glycogen, the right end is called the and the left end is called, तो अपने को याद, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कोई भी polysaccharide होती है, तो उस polysaccharide के अंदर जैसे मान लो अपन एग्जाम्पल ले, यहाँ पे glycogen दे रखा है, तो वो जो glucose, glucose, glucose की यहाँ पर लंबी सी एक चेन होगी, तो वो जो लंबी सी चेन यहाँ पे होगी उसमें जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से glucose जो वो प्रेजेंट होगा, तो इसका जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है, और फर्स्ट कार्बन पे ग्लूकोज की अगर OH ग्रुप, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, रिड्यूसिंग एंड हो गया। और जो सर उधर वाला ग्लूकोज होगा उसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन है उसका OH तो यूज हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन में, चला गया, तो उसके फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है, तो वो हो गया नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा।
बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन पूछा है उसमें फिर कर सकते हैं। उन्होंने पूछा राइट हैंड इज कॉल्ड द, राइट हैंड की बात की है, राइट हैंड क्या हो गया रिड्यूसिंग, और जो लेफ्ट हैंड है वो क्या हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। बिल्कुल। नेक्स्ट, जनरली द कॉटन फाइबर एंड द ऑर्थोपोड्स एक्सोस्केलेटन रेस्पेक्टिवली मेड अप बाय, तो बिल्कुल अपन कह सकते हैं कॉटन फाइबर की बात की है, बिल्कुल ऑर्थोपोड्स के जो एक्सोस्केलेटन, तो सिंपल है कॉटन में बताते हैं अपन, जो कॉटन उसमें सेलुलोज होता है और जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनके साइटोस्केलेटन में जो है वो काइटिन प्रेजेंट होता है उसके रेस्पेक्ट में जो है अपन इसको, और काइटिन का एक नाम और भी होता है फंगल सेलुलोज, फंगल सेलुलोज ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट भी है, जो कोशिका भित्ति जो है फंगस उसमें पाया जाता है। यहां से आंसर अपना हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सेलुलोज और काइटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, अपने को यहां पर मैचिंग करनी है, बेसिक न्यूट्रल एसिडिक और एरोमेटिक, अपने पास में अमीनो एसिड है ये उसके एग्जांपल है, तो बिल्कुल सर एनसीईआरटी का एक अपने पास में, बिल्कुल इसीलिए अपने डाला क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, मुझे लगता है कि इनमें से कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो क्षारीय है एसिडिक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो सर ऐसे क्वेश्चन काफी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, अगर बच्चे इन्हीं को गलत कर देंगे तो फिर स्कोर कैसे बन पाएगा, और स्कोरिंग में तो आपको गलती का मतलब मौका ही नहीं देना चाहिए, और ये ऐसे क्वेश्चन है सर जो आ रहे हैं तो बिल्कुल आ रहे हैं और याद नहीं है तो फिर कितनी देर दिमाग लगा लो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको बिल्कुल टिप्स पे रखो आप, इनको याद करके जाओ। बिल्कुल, तो यहाँ सिंपल है वेलिन की बात करें, मैच कर लेते हैं अपन डायरेक्टली, न्यूट्रल होता है वेलिन, लाइसिन जो है वो धनावेशित है पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, टायरोसिन जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो ग्लूटामिक एसिड है वो एसिड हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर सकते हैं, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों यहां पे कह सकते हैं एरोमेटिक वर्क करते हैं, बिल्कुल एरोमेटिक के और पॉजिटिवली चार्ज के और नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड की आपको एग्जांपल तो याद करना ही है, बिल्कुल काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और स्ट्रक्चर भी याद कर लेना, उनकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है सर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द पॉलीसेकेराइड, तो बिल्कुल अपन देखते हैं कौन से पॉलीसेकेराइड, सारे पॉलीसेकेराइड कौन से हैं वो ग्रुप छांटना है, देखो यहां सेलुलोज है पॉलीसेकेराइड, ठीक है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड हो गया, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड भी नहीं हो पाएगा, माल्टोज डाइसेकेराइड, लैक्टोज डाइसेकेराइड, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड, ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज डाइसेकेराइड, माल्टोज डाइसेकेराइड ये भी नहीं होगा, ग्लाइकोजन सेलुलोज और स्टार्च, ये तीनों ही क्या है पॉलीसेकेराइड है, और अभी बताया था सर अपन ने ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, बिल्कुल सेलुलोज भी ग्लूकोज का पॉलीमर है और स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, फर्क कितना होता है इसमें बीटा ग्लूकोज होती है और इनमें अल्फा ग्लूकोज होती है, दोनों में होमोपोलीमर अपन कह सकते हैं, बिल्कुल ये होमोपोलीमर वाला भी इंपॉर्टेंट, अपने एग्जांपल तो दे रखे हैं एनसीईआरटी में होमोपोलीमर की दे रखे हैं सर, एक तो ग्लाइकोज दिया है सेलुलोज दिया है स्टार्च दिया है, इनुलिन अभी बताया था वो भी होमोपोलीमर है, काइटिन जो है वो भी क्या है होमोपोलीमर है। नेक्स्ट, ग्लिसरॉल इज ए सिंपल लिपिड व्हिच इज आल्सो नोन एज, तो ग्लिसरॉल अपने पास में क्या होता है अपन कह सकते हैं ये इस तरीके से ग्लिसरॉल हुआ करता है CH2OH CHOH CH2OH, तो अपने पास में क्या हो गया ये ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया, तो यहां अपन देख लेते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, बिल्कुल सेकंड इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार वो दे देता है गिवन स्ट्रक्चर उसको आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल याद रखनी है आपको बाय मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मार्क्ड एज ए बी एंड सी, ओके तो अपन यहां इजीली इसको देख सकते हैं अपने पास में ये जो है ये मेंशन कर देंगे और बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग सिंपल हो गया ये हो जाएगा फिर मोनो ग्लिसराइड और वो हो जाएगा ट्राई ग्लिसराइड, और एक सर क्वेश्चन मेनली भी पूछ लेते हैं कि भाई ट्राई ग्लिसराइड के अंदर तीन कौन है और एक कौन है, बिल्कुल तो एक तो यहाँ पे होगा ग्लिसरॉल और तीन अपने पास हो गए फैटी एसिड, ये उल्टा पूछ ले कि आपको ट्राइग्लिसराइड का जलभ गठन करवाओगे तो क्या मिलेगा, एक ग्लिसरॉल मिलेगा और तीन फैटी एसिड मिलेगा, तो यहाँ आंसर इजीली हो जाएगा ए जो है वो अपन ने बताया था डाई ग्लिसराइड, बिल्कुल ठीक है बी जो है वो है मोनोग्लिसराइड, तो थर्ड आंसर यहाँ पर करेक्ट है, बिल्कुल। सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड ए फॉस्फो related organic compound in them, these are phospholipid, they are found in cell membrane and these are present in the form of lecithin, bilkul important hai cell membrane mein jo phospholipid hai wo generally lecithin ki form mein bilkul present hote hain, is cell membrane mein lecithin hote hain ya fir aap keh sakte ho ki jo ek yahan pe cyclin hai cyclin bhi hota hai lekin usually jo lecithin zyada hota hai lekin dono present hote hain lecithin and cyclin, aur ye phospholipid ke hi एग्जाम्पल से, बिल्कुल और वहां देखो सर क्वेश्चन में अपने बातें बता दी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है और एक ऑर्गेनिक ग्रुप भी इसके साथ जुड़ा जुड़ा हुआ है,
जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं कोलीन ग्रुप, और इसकी जो स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दी है तो स्ट्रक्चर भी देखे हो सकता है कि ये जो गिवन स्ट्रक्चर है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले तो पहचानना पड़ेगा कि लेसिथिन है, फिर बताना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन का क्या है कंपोनेंट है। और एक बार सर क्वेश्चन में आया था कि भाई ये स्ट्रक्चर है वो किसकी है, वो मैचिंग पूछ रहा था, बिल्कुल, तो लेसिथिन की स्ट्रक्चर थी, नीट में क्वेश्चन था। और आते रहते हैं, और मेरे ख्याल से सर अभी जैसे आपने बताया बिल्कुल सिंपल है, स्कोरिंग है, लेकिन इनको याद करना पड़ेगा, और याद भी तभी होंगे जब आप इनको एक बार एग्जांपल मेंशन करोगे, उनके एक स्ट्रक्चर बनाओगे, एक दो बार जो है रिवीजन करोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। अब चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग एवरेज कंपोजिशन ऑफ द सेल्स। तो अपनी एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जिसमें सेल के कंपोजिशन को उन्होंने डिफाइन कर रखा है, तो अपन डायरेक्ट जो है मैचिंग करवा देते हैं सर, बिल्कुल, इनको कनेक्ट करते हैं। प्रोटीन की बात कर रहा है तो प्रोटीन हो गया आपका 10-15%, जो लिपिड है वो होता है 2%, वाटर जो है मैक्सिमम होता है 70-90%, न्यूक्लिक एसिड जो है वो है 5-7%, कार्बोहाइड्रेट सर होते हैं 3%, और जो आयंस हैं वो होंगे 1%। सर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है अपने को कि किसी भी सेल के कंपोजिशन में हाईएस्ट जो अपने पास में ऑर्गेनिक सबस्टांस है वो कौन सा है, वो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कुछ है या कुछ नहीं बोला कि सबसे ज्यादा कौन है, तो वोटर पे जाओगे, ऑर्गेनिक पूछ लिया तो आपको फिर सीधा जो है प्रोटीन पे जाना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं कि ज्यादा से कम, तो देखो इसमें वोटर, फिर प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद में आपका कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, और सबसे कम होते हैं आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये टेबल अपने सर इसलिए किए ये चीजें याद हो जाए बार बार, सारी जो है टेबल और वो जो रटने वाले हैं सब अपने इंक्लूड कर देंगे। और सर क्वेश्चन एग्जाम में आते ही यही आते हैं बायोलॉजिक्स, और क्या आएगा वहां, तो केवल स्ट्रक्चर और जो एग्जाम्पल है कुछ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राइबोजाइम इज एन एंजाइम, ए न्यूक्लिक एसिड, ए बायोकैटलिस्ट, या ऑल ऑफ दिस, तो अपन ये जानते हैं कि जो राइबोजाइम है, इसकी बात भी हुई थी पहले भी, बात हो चुकी है, राइबोजाइम आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड है, बायोकैटलिस्ट है, एंजाइम की भांति कार्य करता है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स आइडेंटिफाई एक्स विद रेफरेंस ऑफ एलानिन, सेरीन एंड ग्लाइसिन रेस्पेक्टिवली, तो अपने को पता है सर कि अपने पास में जो, हाँ ये स्ट्रक्चर दे रखी है, अपन सीधा इसी में बता देते हैं, जैसे मान लो ये अल्फा कार्बन अमीनो एसिड के बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो एक्स है वो आर ग्रुप है, अगर यहाँ पर एच हो गया तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइसिन, सबसे सिंपल, बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट होता है, यहाँ पर CH3 हो गया, ये हो जाएगा आपका एलानिन। और क्या पूछा है सर इन्होंने, पूछा है सीरीन, तो सीरीन जो है उसके अंदर जो आर ग्रुप है वहां पर मिल जाएगा आपको CH2OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा सीरीन, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एलानिन यहां पर हो गया, एलानिन जो हो गया वो तो हो गया सर CH3, फिर सीरीन आएगा CH2OH, और ग्लाइसिन पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और ये स्ट्रक्चर भी वही एनसीईआरटी में दे भी रखी है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर की बात करेगा, और मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफी बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, तो अपने को यहां पे ये तो रहा एक्स, और ये अपने पास में जो वाई है उसको बताना है, तो एक्स अपने पास में अपन कह सकते हो गया फास्फोरस, और जो वाई है अपने पास में नाइट्रोजन। अभी अपन ने बात की थी लेसिथिन की स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट, और स्ट्रक्चर आ भी गई, तो स्ट्रक्चर भी याद रखनी है आपको। और ये देखो अभी पहले क्वेश्चन में सर ये पूछा था फॉस्फेट ग्रुप होता है, और ये वाला जो है वो ऑर्गेनिक ग्रुप है, और ये वाला जो ग्रुप है ये कोलीन होता है, और ये पूरी स्ट्रक्चर जो आपकी हो जाएगी लेसिथिन की, जो फॉस्फोलिपिड है क्लियरली दिख रहा है, और ये मेम्ब्रेन का क्या होता है कंपोनेंट होता है। तो यहां पर आंसर आपने बता दिया सर पी एंड एन, फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिकल्स आर ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे ही प्रोटीन राइबोसोम से बनकर अलग होती है उसमें हेलिकल्स बन जाते हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गई। लॉन्ग प्रोटीन चेन फोल्डेड इनटू ए होलो वोलन बोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, ये अपने पास सेकेंडरी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, टर्शियरी होना चाहिए, या टर्शियरी होता तो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी जो है या इनकरेक्ट हो गया, बिल्कुल। बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में ही ज्यादातर प्रेजेंट होती है, वही मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसमें डोमेन वगैरह प्रेजेंट होता है, किसी किसी में क्वार्टनरी होती है, जैसे मान लो आइसोएंजाइम में होती है, बिल्कुल, बाकी मेनली यहां पे टर्शियरी आता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल। और जैसे सर ने बता दिए राइट हैंडेड जो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं हेलिकल फॉर्म, वो मेनली राइट हैंडेड फॉर्म में होती है, बिल्कुल सर। ये प्रोटीन जो फोल्डेड सेकेंडरी, उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वहां सर थोड़ा बता भी रखा है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म में भी होती है, और दूसरा बीटा प्लेटेड फॉर्म में होती है, तो दोनों फॉर्म में वो प्रेजेंट हो सकती है, और दोनों ही क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जांपल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, प्रोटीन आर हेटरोपोलीमर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एंड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोटीन में होते सिर्फ एमिनो एसिड ही है, वो भी 20 प्रकार के होते हैं, 20 हो गए उसकी, बिल्कुल तभी ये हेटरोपोलीमर हेटरोपोलीमर हो जाएगा, बिल्कुल। एसेंशियल एमिनो एसिड आर दोज व्हिच सप्लाई इन आवर बॉडी थ्रू डाइटरी प्रोटीन, बिल्कुल सही है, जो अपनी डाइट में जरूरी है वो एसेंशियल हो गए। इन सेल्स आफ्टर द वाटर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सेकेंड लार्जेस्ट कंपोजिशन ऑफ सेल, ये भी हमने सर बात की थी, जस्ट अभी बात की थी, वो प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा वो। लिपिड आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल बट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन, ये अपने पास लॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, लिपिड तो है ही, मैक्रोमोलिक्यूल है ही, और वो पॉलीमर होते ही नहीं है, होते नहीं है, लिपिड कभी भी पॉलीमर नहीं होंगे। ये नीट में भी सर एक बार क्वेश्चन आया था कि लिपिड जो नॉन पॉलीमर जो है वो कौन है, प्रोटीन पॉलीमर है जैसा भी आपने बताया, पॉलीसेक्राइड पॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, बट लिपिड जो है वो मैक्रो तो है बट पॉलीमर नहीं, नहीं है, तो स्टेटमेंट ये भी, इसीलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट कम भी होता है, बिल्कुल। इनोलिन इज प्रेजेंट इन सम प्लांट्स व्हिच इज ए हेटरोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, अभी आपकी लाइन वो बिल्कुल ऐसे कैसे आ गई, इनोलिन जो है वो होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, बिल्कुल। एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो सारे होमोपॉलीमर दिए हैं सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट है, पूछा गया है एसिडिक कचरों की संख्या बताएं, तो जैसा कि सर ने बताया 1, 2 और जो 3 स्टेटमेंट है वो हमारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए, इनकरेक्ट हो गए। और ये स्टेटमेंट अपन ने सर ज्यादातर सारे एनसीईआरटी से ही निकाले हैं, बिल्कुल, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर पूछने लग गया, बिल्कुल, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और वो मेरे ख्याल से बहुत बारीकी से पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कई बार बच्चा क्या होता है, इनुलिन प्रेजेंट इन सम प्लांट व्हिच इज हेटरो, अगर गलती से हेटरो और वो होमो को नहीं पहचान पाया तो यही आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इन पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट, इसीलिए मिस्टेक यहीं पर होती जाता है। और अब की बार देखा सर अपने, पिछली बार भी जो करेक्ट और इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा आने लगे, मैचिंग वाले, इनकरेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट वाले, क्योंकि पूरा उसमें फिर थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, थ्रू आउट जो है स्टेटमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन पे चले सर, बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे है 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पामिट्रिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम एंड अरेकिडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट है, उल्टा बोल दिया इसने, पामिट्रिक एसिड में होते हैं 16 और अरेकिडोनिक एसिड में होते हैं 20, तो स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है। इन लिपिड फैटी एसिड आर एस्टरीफाइड विद ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, आपके फैट दे रखे हैं और दूसरा दे रखा है आपका ऑयल, तो वैसे रटना भी नहीं है सर, देखा जाए तो जो ऑयल होते हैं रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जो मेल्टिंग जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, और जो फैट है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होता है, तो अगर देसी की है, हाँ बिल्कुल, लिक्विड फॉर्म में डालना पड़ेगा, अगर आप लिक्विड फॉर्म में चेंज करना तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कम होता है। इन्होंने जैसे बोला देख लो जिंजर ऑयल है लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड व्हिच इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बात की थी अपन ने, तो इसमें पूछा गया है सत्य कथन, सत्य कथन तो यहाँ पर बी सी डी सर सही हो जाएगी, बी सी डी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉलीसेकेराइड विद अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में होगा, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, बोथ 1 and 2 भी है और सेलुलोज भी है, बिल्कुल अपन अभी बात की थी सर, बताया था अपने स्टार्च जो है उसमें भी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में ग्लूकोज होता है, सेलुलोज में भी ग्लूकोज होता है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया अल्फा ग्लाइकोजन वो क्या होगा स्टार्च में और ग्लाइकोजन में, तो आंसर जो है वो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर इज कॉल्ड, तो अपन जानते हैं सर ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, बिल्कुल न्यूक्लियोसाइड, बिल्कुल खूब सारी बातें भी की थी अपने, स्ट्रक्चरल जो है क्वेश्चन भी डाले थे इसके काफी सारे, बॉन्ड की बात हो चुकी है इसकी। माल्टोज कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, माल्टोज में कौन सी कौन सी शुगर होती है पता है, माल्टोज में ग्लूकोज भी है और गैलेक्टोज भी है, बट सर यहाँ पे लोचा कर रखा है अल्फा बीटा क्या बेटा, तो अभी अपन ने बताया स्टार्टिंग बता दिया था माल्टोज में सिंपल है, माल्टोज की बात करें तो ग्लूकोज और दो ग्लूकोज होंगे, बिल्कुल, और दोनों जो है अल्फा फॉर्म में, अल्फा होंगे, अब यहाँ पर ये अल्फा बीटा पे जाएंगे नहीं, अपन सिंपल दे रखा है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, वन मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइग्लिसराइड एपिसोड का वो क्वेश्चन आ गया, इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो सिंपल अब आपको दिमाग लगाना है ट्राइग्लिसराइड है तो ऑब्वियसली 3 फैटी एसिड होंगे और एक क्या होगा ग्लिसरॉल, तो यहां आंसर
हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा. Which one of the following is enriched with a non-reducing sugar? Grapes, germinating barley grains, mother's milk, table sugar. तो यहाँ पूछा है non-reducing sugar. हाँ बिल्कुल, non-reducing sugar की बात करें, अभी सर आपने बताया था sucrose जो है बिल्कुल वो non-reducing sugar है. अगर बात करें सर sucrose के अलावा जितने भी monosaccharide, disaccharide है सारे reducing होते हैं, लेकिन sucrose जो है non-reducing है. उसका कारण भी है, उसमें जो glucose और जो फ्रक्टोज होता है उसमें 1-2 बॉन्ड होता है सर. बिल्कुल, तो ग्लूकोज में भी पहले कार्बन पे आपको पता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसके सेकंड पे कीटोन ग्रुप होता है. दोनों ग्रुप जो है वो एंगेज हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो यहाँ पर कोई ग्रुप फ्री नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग. अब यहाँ ये सर देखो थोड़ा घुमा दिया, अब ये पूछ रहा है कि किसमें रिच है ये. ऑब्वियसली थोड़ा दो अप्रोच आ गए, नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज है. अब सुक्रोज किसमें होती है, जैसे अपन जानते हैं ग्रेप्स जो है उनमें ग्लूकोज ज्यादा होता है. बिल्कुल, याद भी रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट है. जर्मिनेटिंग बार्ले सीड जो है उनमें मोनोसैकेराइड जनरली ग्लूकोज वगैरह ज्यादा मिलेंगे. टेबल शुगर की बात करें तो सर सुक्रोज को टेबल शुगर ही कहते हैं. सुक्रोज के कई नाम दे रखे हैं, टेबल शुगर है, केन शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इनवर्ट शुगर है, वो सारे सुक्रोज के नाम है. मदर मिल्क, तो मदर मिल्क में तो लैक्टोज मिलेगा. बिल्कुल, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, टेबल शुगर. बिल्कुल. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर सुक्रोज? तो इट इज ए डाइसैकेराइड, बिल्कुल सर सही स्टेटमेंट है. इट इज नॉन रिड्यूसिंग है. It accumulates in the cytoplasm and it is comprised of maltose and fructose. तो भाई यहाँ पे क्या सबसे गलत हो गया, ये बिल्कुल यहाँ पे wrong statement है, ये गलत हो जाएगा. ये कभी बताया सर सुक्रोज जो है उसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है. बिल्कुल, और ऑब्वियसली जब ये यहाँ बात कर रहा है सर, जब ग्लूकोज बनता है उसके बाद में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ग्लूकोज को सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है. ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है वो कंबाइन हो जाते हैं, तो सुक्रोज है वो कहाँ मिलेगी, साइटोप्लाज्म में. फिर उसके बाद में उसको वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया. बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लिविंग टिश्यू. आइडेंटिफाई द कैटेगरी शोन एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट. तो यहाँ पे एक्स की बात की है और ये अपने पास में. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसमें मेन है इस चीज के ऊपर, ये पेंटोज है या फिर मतलब राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है. तो सेकेंड कार्बोनिक के ऊपर अगर मान लो ओज प्रेजेंट है, इसका मतलब ये राइबोज शुगर है, राइबोस शुगर का मतलब यहाँ पर ये आरएनए है. अब आरएनए में यहाँ पर कौन सा नाइट्रोजन बेस है, उसके हिसाब से आंसर चाहेगा. बिल्कुल, जैसे सर ने बता दिया, ये तो क्लियर हो गया कि ये जो है पक्का क्या होगा, एक जो है न्यूक्लियोसाइड होगा. और यहाँ पर उसने पूछा है कि एक्स कौन हो सकता है, तो राइबोस के रेस्पेक्ट में आपको देखना है. तो राइबोस के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो देखो सर न्यूक्लियोसाइड तो हो गया. बिल्कुल, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, लेकिन साथ में क्या है, यूरेसिल है. बिल्कुल, देखो इन्होंने घुमाया भी नहीं है, सिंपल सी बात है, सीधा न्यूक्लियोसाइड और वहां पर जो एक्स है वो कौन हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा. तो सिंपली आंसर फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, व्हिच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड. बिल्कुल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन आता रहता है. और सर कोलेजन, अब की बार ये क्वेश्चन भी आया नीट में. बिल्कुल, जबकि ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं हमारे बायो डीटीएस से ले रहे हैं. बिल्कुल, और जो हमारे मटेरियल्स हैं तो सारे क्वेश्चन जैसा सर आपने देखा आपकी बार जो क्वेश्चन आए सारे वहीं से है बायो डीटीएस से. अब थोड़ा हो सकता है फ्रेमिंग चेंज हो जाएगा, उन्होंने बिल्कुल ऐसे पूछा है, सेम क्वेश्चन आया है, एज कॉन्सेप्ट सारे वही आते हैं, वही आते हैं, सेम वही रिपीट क्वेश्चन होगा. बनाते भी सिंपल है, घुमाते नहीं हूँ, डायरेक्ट पूछते हैं मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड तो कोलेजन, अगर बोलते वो बायोस्फीयर तो आपका रुबिस्को हो जाता है, प्लांट बोलते तो रुबिस्को हो जाता है. तो यहाँ पर आंसर हो गया कोलेजन. व्हिच वन आउट ऑफ ए एंड डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द बेसिक अमीनो एसिड. अभी अपन ने बात की थी सर, ये थोड़े स्ट्रक्चर भी याद रखनी पड़ेगी. जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं एक बार बच्चों को बता देते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एक तो लाइसिन है अपना, एक इसके अलावा जो है स्टिडिन है, और दूसरा जो है वो होगा आर्जिनिन. ये बेसिक अमीनो एसिड है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि इनमें किसकी स्ट्रक्चर जो दे रखी है. तो यहाँ ये स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका ग्लूटामेट हो जाएगा. इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अभी बताया था सर अपने सेरीन है, सेरीन हो गया. इसकी बात करें अपन तो ये कोई अमीनो एसिड है ही नहीं. बिल्कुल, उसकी बात करेंगे नहीं अपन. वो डी जो दे रखा है वो आपका स्ट्रक्चर जो दे रखी है वो दे रखी है किसकी, लाइसिन. लाइसिन, और लाइसिन जो है वो आपका क्या हो गया, बेसिक अमीनो एसिड. तो यहाँ आंसर सिंपल हो गया अपना डी. डी जो है किसमें है, सेकंड वाले में. तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर भी अपन ने क्वेश्चन भी लगाया कि स्ट्रक्चर भी देखे हो सकता है कि इनमें बेसिक कौन सा, एसिडिक कौन सा. अगर पूछा होता एसिडिक तो ऑब्वियसली अपन इस आंसर पे जाते हैं, क्योंकि अपना क्या है, ग्लूटामिक एसिड है. बाकी जो है ये जो सेरीन है वो पोलर है, लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. अब देखो सर कहने को एक क्वेश्चन है,
बाकी इसमें चार क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल, वो ऐसे प्रिपरेशन सर ऐसे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं वही करते हैं, हर क्वेश्चन में जो है उसका आंसर पता होने के बाद उनपे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ताकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन वो वहीं गेन कर लें। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड लेसिथिन ए फॉस्फो रिलेटेड ग्लिसराइड फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन पामेटिक एसिड। ये सारे अपन अभी यहाँ बिल्कुल साथ में बताते भी जाते हैं बच्चों को। लेसिथिन जैसे काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर तक आता नहीं है। फॉस्फो लिपिड होता है, फॉस्फो ग्लिसराइड सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो पूछा गया है करेक्टली करेक्टर पूछा है करेक्ट, हां करेक्टली जो है कैरेक्टराइज कौन है, तो बिल्कुल सही का करेक्टली कैरेक्टराइज ही कर दिया। बिल्कुल आंसर तो मिल गया अपने को, लेकिन बाकी एक बार बात फिर भी कर लेते हैं। पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, बिल्कुल याद रखना है बच्चों को, लेकिन यहाँ 18 दे रखा है तो इनकरेक्ट। दो तो याद कर ही लीजिए आप, एक तो पामेटिक एसिड का सर, एराकिडोनिक एसिड, दोनों याद रखने पड़ेंगे, ये सिंपल है, इसके बाहर वो सर पूछता भी नहीं है। एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन, पामेटिक एसिड 16 कार्बन। बिल्कुल। एडिनाइलिक एसिड सर बहुत बातें हुई है न्यूक्लियोटाइड्स पे, एडिनोसिन विद ए ग्लूकोज फॉस्फेट मॉलिक्यूल, बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ ग्लूकोज का कोई रोल नहीं है ही नहीं। एलानिन, एलानिन जो होता है वो एमिनो एसिड है, बिल्कुल, बिल्कुल और सिंपल एमिनो एसिड है, उसमें केवल मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो एलानिन जो है वो न्यूट्रल होता है। यहाँ देखो क्या लिख रखा है, एमिनो एसिड कंटेन ए अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एनीवेयर, कभी भी नहीं होगा एसिडिक ग्रुप इसमें, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो ये आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द पॉलीसेकेराइड विद बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड स्टार्च ग्लाइकोजन सुक्रोज एंड सेलुलोज। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे जानते हैं कि साहब जो सेलुलोज है उसमें पाया जाता है बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज होता है, ऑब्वियसली इसने पॉलीसेकेराइड पूछा तो सीधा अपन सेलुलोज पे बिल्कुल चले जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाइड अलोंग विद द रिलेटेड इट्स फंक्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे सर दो डायग्राम दे रखे, ये स्ट्रक्चर को पहले आइडेंटिफाई करवा दे। बिल्कुल, ये अभी आया था, ये है लेसिथिन हो गया, हो गया मुझे अपने पास में है, आप कह सकते हैं ये प्यूरिन, प्यूरिन हो गया, और प्यूरिन में भी ये एडिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमीनो ग्रुप आ गया तो ये एडिनिन हो गया। बिल्कुल, तो यहां देख लो सर अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो ए है हां ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, रॉन्ग हो गया, जो बी है वो यूरेसिल है, यूरेसिल नहीं होगा, ए जो है वो लेसिथिन है, बिल्कुल सही है, और वो किसका कंपोनेंट है, सेल सेल मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पर इन्होंने इसको करेक्ट जो है आइडेंटिफाई किया और इसके फंक्शन को भी बताया। बिल्कुल, आगे चलें तो बी जो है ये बोल रहा है कि एडिनिन है, चलो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इसने बोला एडिनिन ये न्यूक्लियोटाइड, तो सर एडिनिन न्यूक्लियोटाइड होता ही नहीं है, तो बेस होता है, यहाँ पर जो करेक्ट होगा थर्ड होगा, ए को डिफाइन कर रहा है लेसिथिन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, प्रोटीन्स आर हेटरोपॉलीमर made of amino acids, बिल्कुल सही statement है। Ribozyme are nucleic acid with catalytic power. Nucleic acid serve as genetic material. Collagen is the most abundant protein in the whole the biosphere. बिल्कुल यहाँ गलत हो। And Rubisco is the most abundant protein in animal world. ये यहाँ तो wrong हो गया। बिल्कुल answer ये हो जाएगा, उल्टा लिख दिया। उल्टा लिख दिया। अगर ये उधर होता, collagen तो animal world। और जो अगर बात करें Rubisco की, तो ये biosphere में क्या है? Abundant। बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फोर्थ हाउस। और बाकी सर इनकी बातें अपने पहले खूब कर ली, खूब कर ली, से बच्चे अब समझ भी जाएंगे, क्योंकि पुराने जो है कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट उनको रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, तो अपन जानते हैं इनुलिन जो है फ्रुक्टोज का पॉलीमर होता है, फ्रुक्टोज का होमोपॉलीमर होता है। बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल ऑफ ए टिपिकल होमोपॉलीसेकेराइड इज लिग्रीन सुबेरिन गैलेक्टोज एंड स्टार्च। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो स्टार्च है वो एक होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है, सुबेरिन सर यहाँ पे हेटरो हो गया, गैलेक्टोज जो है वो तो अपने पॉलीसेकेराइड है, लिग्निन भी हेटरो हो गया। बिल्कुल, और ये जो है लिग्निन वगैरह और ये कुछ लिपिड के डेरिवेटिव भी होते हैं, तो ये बिल्कुल उसमें अपन कंसीडर करेंगे। माल्टोज गिव्स राइज टू द टू मॉलिक्यूल्स, सो माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, आंसर यहाँ पे हो गया थर्ड ऑप्शन, ये आ जाएगा थर्ड। बिल्कुल। Next, find out the wrongly matched pair primary metabolite ribose. बिल्कुल सही है, अभी बात हुई थी। Secondary metabolite anthocyanin होता ही है। बिल्कुल सही है। Protein जो है insulin, बिल्कुल सही है। Insulin protein होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और cellulose जो है वो heterocyclic, यहाँ गड़बड़ कर दी, homopolysaccharide होता है। तो यहाँ आंसर सिंपल हो जाएगा। Fourth option, बिल्कुल।
नेक्स्ट व्हिच वन इज ए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो भी सर हमने बात की थी, आपने बता दी थी, ग्लाइसिन सबसे सरलतम होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है आर ग्रुप में और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट वेट भी जो है ग्लाइसिन का होता है और उसमें तीन ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट सर, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड और सेकंड जो है इसके अंदर किरिल कार्बन एब्सेंट होगा क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमेट्रिक हो जाएंगे और तीसरा कई बार पूछ लेता है ये ऑप्टिकली जो है ये इनएक्टिव हो गया, बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन और सबसे लो मॉलिक्यूलर वेट भी किसका होता है ग्लाइसिन का, तो कई बार पूछ लेता है सरलतम ग्लाइसिन और याद रखना आपको अगर पूछे सबसे जटिल है वो ट्रिप्टोफैन होता है जो सबसे कॉम्प्लिकेटिव होता है और ये सिस्टीन सर मेरे ख्याल से बच्चों को थोड़ा बता देते हैं, सिस्टीन जो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होती है, लाइसिन अभी बताया था अपने पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड और जो सिस्टाइन है कई बार इसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिस्टाइन जब दो सिस्टीन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं बिल्कुल लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट है कि कौन सा बॉन्ड होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड और इस स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं सिस्टाइन जिसमें दो सिस्टीन है और बॉन्ड कौन सा बॉन्ड के मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट पेंटोज एंड हेक्सोजेस आर कॉमन, तो पेंटोज हेक्सोज में कॉमन क्या है, बिल्कुल अपन कहते कोई दिक्कत नहीं है दोनों सर यहां पर क्या है मोनोसैकेराइड सैंपल है और एनसीईआरटी ने बिल्कुल साफ दे रखा है जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं वो बिल्कुल सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट है जिनका आगे जल अपघटन नहीं हो सकता और जो मोनोसैकेराइड है उनमें कार्बन की संख्या भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट है वहां 3-7 मिले हैं सर, जिनको अपन ने पांच टाइप में डिवाइड भी कर रखा है जैसे आपका ट्रायोज हो गया, टेट्रोज हो गया, पेंटोज हो गया, एक्सोज हो गया और हेप्टोज हो गया, उनको भी थोड़ा थोड़ा आप देख लेना उनके कुछ एग्जाम्पल्स कई बार पूछ लेते। रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लाइकोजन इज, तो ग्लाइकोजन में बार बार रिपीट क्या होता है अपने को पता है जो ग्लूकोज है, बिल्कुल ग्लाइकोजन की बात कर रहा है तो सीधा अपन मोनोमर यूनिट पे चले जाएंगे, ग्लूकोज है उसका बहुलक होता है, सम बहुलक होता है, अल्फा ग्लूकोज पाई जाती है, काफी बातें हो गई है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट सुक्रोज ए कॉमन टेबल सुगर इज कंपोज्ड ऑफ, तो सुक्रोज में क्या होता है सर मेरे को पता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, काफी बार ये क्वेश्चन आ भी चुका, लिंकेज की बात इतनी होगी इसमें तो। Which one is the sweetest sugar? सबसे मीठी sugar यहाँ पर जो है अपन कह सकते हैं fructose होती है। बड़ा सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है आपसे अगर पूछे कि अपने जो अर्थ पे सबसे सिंपलेस्ट जो सॉरी सबसे जो स्वीटेस्ट sugar है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, अगर उसने नेचुरल लगा दिया तो सर फ्रक्टोज होती है लेकिन कई बार वो कहीं कंफ्यूजन कर देते हैं सैक्रिन डाल देते हैं, तो सैक्रिन अगर ऑप्शन में सैक्रिन है तो आपको फिर सैक्रिन पे जाना पड़ेगा, लेकिन सैक्रिन जो है आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड नेचुरल नहीं है बिल्कुल, और अगर नेचुरल लगा दिया तो सैक्रिन ऑप्शन में होने के बाद भी आपको फ्रक्टोज पे ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर यहाँ पर है सेल्युलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, तो सेल्युलोज की बात की थी अपने सर जो बीटा ग्लूकोज है उसका ये ग्लूकोज है लेकिन ये ध्यान रखना है बीटा फॉर्म में होते हैं बिल्कुल, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन गिवन बिलो इज द केमिकल फार्मूला ऑफ, तो अपने पास में वो सर यहां पे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हो जाएगा ये नंबर ऑफ कार्बन एक फैटी एसिड को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन गिन लो 14 है 15 और ये हो जाएगा आपका 16, तो ये पामेटिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां ये भी ध्यान रखना कि पामेटिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहां पर एक कार्बन है और बाकी के जो 15 कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन चेन में है, तो एक कार्बन आपका यहाँ तो टोटल हो गए 16 लेकिन हाइड्रोकार्बन चेन में कितने हैं 15 और एक कौन सा हो गया आपका कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन। कई बार इस क्वेश्चन को आप गलती भी करा सकते हैं, वो पूछता है कि विदाउट सीओएच ग्रुप या विद सीओएच ग्रुप, बिल्कुल इसका थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल, सर ने बताया कि हाइड्रोकार्बन चेन में केवल पूछे तो कितने हो जाएंगे 15 और टोटल है 16। सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3-7 कार्बन इज ए डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड, अभी हमने बात की थी 3-7 कार्बन जो है वो मोनोसैकेराइड को अपने डिवाइड भी इसके बेसिस पे किया, 3 कार्बन वाली हैं 4 कार्बन वाली हैं, उनमें फार्मूला भी होता है सर एक CnH2nOn, तो यहां पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन है बिल्कुल, यहां पर जो नंबर ऑफ कार्बन है मिनिमम 3 से स्टार्ट होंगे और 3-7 कई बार फॉर्मूला भी होता है सी टॉपिकोज में 7 होता है बिल्कुल, जैसे अपन ने बोल दिया C6H12O6 तो ये रिप्रेजेंट करता है हेक्सोज को, अब हेक्सोज में भी कई आइसोमर हो सकते हैं बिल्कुल, अब वो स्ट्रक्चर भी जाके पता लगेगा कि ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है या फ्रक्टोज है, वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो बिल्कुल प्रोटीन सिंथेसिस में सारे भाग लेते हैं बिल्कुल, 20 अमीनो एसिड हैं तो 30 ऑप्शन बिल्कुल। हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड यील्ड, तो जब भी लिपिड का हाइड्रोलिसिस होगा तो अपने क्या मिल जाएगा इसके अंदर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मतलब जिससे लिपिड बना होता है वही मिल जाएगा बिल्कुल, अभी अपन ने बात की थी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कंडेंसेशन से ही लिपिड का निर्माण होता है, अब वो मोनोग्लिसराइड है या
जो है डाइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है, तो जल अपघटन करोगे तो आपको ये सारे फ्री फॉर्म में प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑफ प्रोटीन आर ब्रोकन देन द रिमेनिंग पार्ट इज एमाइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीपेप्टाइड या एमिनो एसिड। तो यहाँ पे कह सकते हैं जब प्रोटीन के सारे बॉन्ड टूट गए तो उसकी जो यूनिट है वो आपको मिल जाएगी, और उसकी यूनिट जो है वो होती है एमिनो एसिड। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन थोड़े से क्या छोटे छोटे हैं, तो अपने काफी क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं, और मेरे ख्याल से ज्यादातर स्ट्रक्चरल चीजें अपने रिवाइज यहाँ करवा ली। तो यहाँ आपकी जो टोटल 50 क्वेश्चन जो है इसमें अपन ने डिस्कस किए हैं, और अगली जो गुरुनीति होगी उसमें सिर्फ बायोमोलिक्यूल में अपन एक काम करेंगे, जो एंजाइम्स वगैरह हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि बायोमोलिक्यूल ऑब्वियसली छोटा सा एक चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, लेकिन अपने फिर भी यहाँ 50 क्वेश्चन जो है आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, और बाकी बच गया एंजाइम। तो एंजाइम और उसके अलावा छोटे मोटे जो और भी उसमें टॉपिक है उनको अपना अगली यूनिट में लगभग 45-50 क्वेश्चन में उसको कवर कर देंगे। और मेरा मानना है कि इनसे बाहर से क्या जाएगा, हर बार क्वेश्चन आता है कोई ना कोई बस स्कोरिंग क्वेश्चन ही पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करेगा। छोटा सा चैप्टर है, अब इसमें अपने 50 क्वेश्चन देख लिए, तो 50 मतलब चार ऑप्शन, तो 200 क्वेश्चन हो गए। बिल्कुल, 200 क्वेश्चन से बाहर मेरे ख्याल से बाहर मॉलिक्यूल कोई बनता ही नहीं है, जिसमें भी अभी आपने एंजाइम को कवर भी नहीं किया है। एंजाइम में थोड़े कॉन्सेप्चुअल बनेंगे, इसको अलग से अपन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वहां पर भी क्वेश्चन आता है एंजाइम पर, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहां पर, स्टेटमेंट वाले, स्ट्रक्चर वाले। तो अपन नेक्स्ट गुरुनीति में बायोमोलिक्यूल के रिमेनिंग क्वेश्चन ऐड कर देंगे, और उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अपने सर कवर कर लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोमोलिक्यूल जो दो चैप्टर में अलग अलग है, एक तो 12th का है और एक 11th का चैप्टर। उसके बाद में अपन बात करेंगे सर एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी की और फिर बायो टेक्नोलॉजी की। और अब की बार भी सर जैसे आपने देखा था नीट में जो है क्वेश्चन काफी आए हैं, बिल्कुल, अगर बायोटेक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एप्लीकेशन बॉटनी इनकी बात करें तो लगभग 70-18 क्वेश्चन थे, क्योंकि वो इन पे ज्यादा आजकल अटैक कर रहा है, एक एक चैप्टर से जो है 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी डिजाइन कर रहा है, क्योंकि सर ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, अच्छे स्टूडेंट का दिमाग शार्प होगा वो इससे कर पाएगा। बिल्कुल, इसमें रटना भी है, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी है, सारी चीजें हैं इसके अंदर, इसलिए वहां से क्वेश्चन ज्यादा डिजाइन करने लग गया है। बिल्कुल, ठीक है सर, तो मिलते हैं नेक्स्ट गुरुनीति में, और आशा करते हैं कि आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को याद भी आपको करना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।